फिल्म सूरमा की कहानी हॉकी के सूरमा संदीप सिंह की है। सूरमा का किरदार दिलजीत दोसांझ ने निभाया है। सूरमा की कहानी शुरू होती है एक महिला हॉकी प्लेयर हरप्रीत कौर की जुबानी, जो ये बताती है कि कोच की सख्ती की वजह से 9 साल की उम्र में संदीप ने हॉकी खेलना छोड़ दिया था, लेकिन बड़ा होने के बाद हरप्रीत यानी तापसी पन्नू के प्यार और उसे हासिल करने की वजह से वो हॉकी स्टिक उठाता है और इंडिया के लिए खेलता है, लेकिन एक हादसे की वजह से उसे गोली लगती है और वो चल फिर नहीं पाता है। इस बार वो देश के लिए खेलना चाहता है और फिर से हिम्मत और मेहनत कर वो इंडिया के लिए खेलता है। सूरमा की कहानी अर्जुन पुरस्कार विजेता एक ऐसे सूरमा की है जिसकी प्रतिभा को उसका बड़ा भाई खेतों में पहचानता है, और वो प्रतिभा है ड्रैग फ्लिक। संदीप ने 145.5 किलोमीटर की गति से ड्रैग फ्लिक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ये कहानी दर्शकों के बीच लानी लाजमी है, जिसे निर्देशक शाद अली ने अच्छे से दिखाया है। कहानी की रफ्तार अच्छी है, बायोपिक होने के बावजूद फिल्म को मनोरंजक रखने की कोशिश की गई है, जिसके लिए एक खास किरदार है एक कोच का, जिसे विजयराज ने निभाया है। फिल्म की पटकथा और कई डायलॉग्स अच्छे हैं। संदीप सिंह की भूमिका को दिलजीत दोसांझ ने अच्छे से निभाया है। कहीं कहीं उनकी मासूमियत भरे डायलॉग्स मनोरंजन देते हैं। फिल्म कहीं कहीं थोड़ी ड्रैग या धीमी भी लगती है, मगर मुझे लगता है कि कहानी और किरदारों को एस्टैब्लिश करने के लिए शायद ज़रूरी था। सूरमा की एक और कमजोरी है, और वो मुझे लगता है हॉकी के खेल को शूट करना। स्पोर्ट्स पर आधारित फिल्मों में अक्सर मैच के दौरान एक्साइटमेंट देखा जाता है, जैसे लगान, चक दे इंडिया, सुल्तान और दंगल जैसी फिल्मों में तेज़ रफ्तार विजुअल देखने को मिलते हैं। इसमें वो हिस्सा कमज़ोर या दांत तले उंगली दबाने वाला नहीं है। क्रिकेट प्रधान इस देश में ऐसे सूरमाओं की कहानी पर्दे पर आनी चाहिए। 2 घंटे 10 मिनट की यह फिल्म आपको बोर नहीं करती, ये ज़रूर बताती है कि प्रतिभा पहचानने की ज़रूरत है। हिम्मत और हौसले से कुछ भी नामुमकिन नहीं, ये एक प्रेरणादायक कहानी है। इसलिए इस फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 3 स्टार।